हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों? अल्लाह से दुआ और उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका खैर मकदम करती हूँ मैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। और फिर से बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है उड़द की दाल गोश्त की। और चलिए देख लेते हैं जल्दी से ये कैसे बनती है। यहाँ मैंने गोश्त लिया हुआ है, भैंस का गोश्त है ये हड्डी वाला गोश्त है। थोड़ा इसमें चिकना ज़्यादा होता है, ये वाला गोश्त लेंगे हम चिकने गोश्त। तो ये 250 ग्राम, मेरे घर में जितना लगता है मैंने उतना लिया है, तो ये 250 ग्राम है। और साथ में हमने अपनी प्याज ली हैं, जो कि रफली चॉप की हुई हैं, वही 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। मसालों में हमने धनिया लिया है 3 बड़े चम्मच हैं, और नमक हमारा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, लाल मिर्च 1.5 चम्मच है, क्योंकि इसमें उड़द की दाल डलती है और वो उसके लिए जो है थोड़ा तीखा अच्छा होना चाहिए, इसलिए 1.5 चम्मच लिया है। लहसुन लिया है 1 बड़ा चम्मच, अदरक लिया है 1 बड़ा चम्मच, और हल्दी ही जो है हमारी 1/2 चम्मच से भी कम है। साथ में हमने अपना एक जो हमारे चाय का कप होता है बड़ा वाला, मिल्क मग जो होता है, वो भर के पानी लिया है। और हम अपना घी वही लेंगे जो हमेशा लेते हैं, 2 बड़े चम्मच भर के, यानी 150 से 200 ग्राम के बीच में घी हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हमारी जो दाल है वो भी मैंने अच्छे से धोकर भिगो के रखी हुई है, जो कि उड़द की दाल है, और काफ़ी अच्छी हो जाती है ये फूल के, इसलिए इसे जो है भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही रज़ाइत लिए हुए होती है ये, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना नवाबी खाना कह सकते हैं आप एक तरीके से, बहुत ही शानदार उड़द की दाल गोश बनता है। और कैसे बनेगा चलिए हम देख लेते हैं। अभी हमने गोश अपना कुकर में डाल रखा है, और ये सारे ही मसाले और पानी जो है और घी इसमें डाल के हम वही 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद 5 से 7 मिनट फिर हल्की आंच पे छोड़ेंगे, जो हमेशा मेरा रेशो रहता है इसका पकाने का, क्योंकि भैंस का गोश्त थोड़ा सा देर में गलता है, इसलिए अगर आप बच्चे का गोश्त ले रहे हैं या फिर बकरे का गोश्त ले रहे हैं तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा और पानी भी फिर उस हिसाब से कम लगेगा। तो चलिए हम ये सब इसमें डाल के और चढ़ा देते हैं, और उसके बाद जब ये भूनने पर आएगा फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ और इसके बारे में आगे और बात करती हूँ। तो चलिए दोस्तों हम अपना देख लेते हैं, हमारी दाल जो है मैंने इसका कुकर का ढक्कन पहले ही खोल दिया है, वही अपना 10 मिनट जो है हमने इसे हल्की आंच पे रखा था और 3 सीटी आने के बाद रखा था। आप देख पा रहे होंगे माशाल्लाह अच्छे से ये भुनने के लिए तैयार है, मतलब इसमें पानी जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं हुआ और ना ही ये जला है। चलिए अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद इसमें जो है दाल डालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, और इसकी जो भी प्याज थी वो सब बिल्कुल एक रल हो गई है, बिल्कुल एक बराबर हो गई है, एक जान हो गई है जिसे कह सकते हैं। अब हम इसमें अपनी दाल जो है वो ऐड कर देंगे, और दाल की क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ तो ये 150 ग्राम है, और ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और पानी हम इसमें जो है 1 गिलास भर के डालेंगे, और कुछ पानी दाल में भी है, तो उसके बाद देख लेंगे कितनी ज़रूरत पड़ती है। और इस दाल को क्योंकि ये काफ़ी भीगी हुई है 2-3 घंटे से, तो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता, 1 सीटी आने के बाद, दूसरी आने से पहले ही हमें इसे बंद कर देना है, बस हमें सिर्फ इतना ही पकाना होता है। और इस दाल के लिए ख़ास बात यह है कि इसे थोड़ा सा पतला बनाते हैं, ताकि जब हम इसे रखेंगे तो उसके बाद जो है ये पानी और एब्जॉर्ब करेगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर हम पहले से ही गाढ़ी बनाएंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। और अभी इसमें पानी और डलेगा, चलिए मैं और डाल देती हूँ 1/2 गिलास पानी। तो ये मैंने 1/2 गिलास पानी, कप और पानी डाल दिया, ये वाला नॉर्मल जो हमारा मिल्क मग होता है वो, और ये टोटल 2 कप हो चुका है पानी। अब देखिए इसकी जो है थोड़ा शोरवा सा लग रहा है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो ये बिल्कुल पानी जो है इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, दाल जो है इसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। चलिए बस अब इसे हम बंद करते हैं, और 1 सीटी लगाने के बाद दूसरी आने से पहले गैस को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद इसको स्टीम में ही थोड़ा रहने देंगे, उसके बाद मैं आपके सामने इसे पेश करती हूँ। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह हमारी उड़द की दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और
बहुत ही लजीज बनी है माशाल्लाह। और आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा रोगन ज़्यादा है, तो ये मत सोचिएगा ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम हर निवाले के साथ इसे खाएंगे तो वो हमें हर निवाले के साथ आना चाहिए, इतना रोगन इसमें होना चाहिए। और इसमें हम कोई हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी, क्योंकि इसकी खुद का ही जो टेक्सचर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह। और बस हम इसे जो है गरम मसाले के साथ खाते हैं, ऊपर से इस पे जो है गरम मसाला डाल के खाते हैं। और आपको ये कैसी लगी रेसिपी, प्लीज़ इसको मुझे ज़रूर बताइएगा, उड़द की दाल गोश की। और मेरे चैनल का नाम आप सब जानते ही हैं, जो कि है फूड एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।